अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में फिजिक्स 11 चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसमें आज हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था वेक्टर्स और स्केलर के बारे में और डेली लाइफ में इनका यूज सीखा था और वेक्टर को कैसे जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ये आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखना है कि रेक्टेंगुलर आर डियर स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये दो किस्म का होता है। पहला है टू डी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको प्लेन भी कहेंगे, और थ्री डी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको स्फीयर भी कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोर लाइंस हैं ये डायरेक्शन को शो करती हैं, ये नॉर्थ को शो करती है, ये साउथ डायरेक्शन को शो करती है, ये ईस्ट डायरेक्शन को शो करती है, और ये वेस्ट डायरेक्शन को शो करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन को शो करने के लिए हम ये यूज करते हैं या करते थे। तो 17वीं सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन था कार्टेशियन, उसने इस निज़ाम का एक मतबादल जो है वो निज़ाम दिया, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि उस मैथमेटिशियन का नाम कार्टेशियन था तो इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेते हैं 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको प्लेन भी कहते हैं। इसमें ये दो लाइनें हैं, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो लाइनें जो हैं
इनको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कहते हैं। ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। डियर स्टूडेंट्स, जो एक्स एक्सेस होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करती है, शो करती है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सेस को शो करती है। ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे एक दूसरे को मिलती हैं, या दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। या इसको रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, और इसको ओ से जाहिर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिन से राइट साइड पे जो एक्स एक्सेस है उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन ली जाती है, और ओरिजिन से ये लेफ्ट साइड पे नेगेटिव डायरेक्शन ली जाती है। और इसी तरह ओरिजिन से अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सेस होता है, और ओरिजिन से डाउनवर्ड ये नेगेटिव वाई एक्सेस होता है। और इसमें फोर क्वाड्रेंट होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें। अब डियर स्टूडेंट्स, ये है जो प्लेन है, इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डायरेक्शन को कैसे जाहिर किया जाता है। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, अब हमने यहां कोई पॉइंट पी है, इसकी लोकेशन को हमने जाहिर करना है, और इसको वेक्टर डी से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो वेक्टर डी की डायरेक्शन जो है वो हम कैसे शो करेंगे, और ये जो वेक्टर डी है ये एक्स एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट पी है, और ये ए और बी जो है ये इसके
कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, यानी ए जो है ये एक्स एक्सिस से इसके डिस्टेंस को शो करता है और ये बी कोऑर्डिनेट जो है ये वाई एक्सिस से इस पॉइंट के डिस्टेंस को शो करता है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट ए और बी हैं, ए का मतलब है कि एक्स एक्सिस से ए यूनिट पे और बी का मतलब है वाई एक्सिस पर बी यूनिट जो डिस्टेंस है उसको ये जाहिर करते हैं। तो इस तरह ये पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं ए और बी जो इसके कोऑर्डिनेट हैं ये इसकी पॉइंट पी की लोकेशन को जाहिर करते हैं प्लेन में या 2D रेक्टेंगुलर सिस्टम में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंगल थीटा है ये डायरेक्शन को शो करता है और एंगल थीटा जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमने लेना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको लेना है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की सेकंड टाइप को, जो कि है 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीन लाइनों पे मुश्तमिल होता है। और तीनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं और
इन लाइनों को कहते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, आप 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो कैसे ली जाती है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये एक वेक्टर है ए, ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं ए बी सी। ए जो है ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, बी जो है ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है और सी जो है ये जेड एक्सिस से डिस्टेंस है और ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वेक्टर ए की डायरेक्शन जो है वो तीन एंगल जो हैं जिनको अल्फा सॉरी बीटा और गैमा कहते हैं इनसे डिनोट की जाती है। अल्फा जो एंगल होता है ये एक्स एक्सिस से इस वेक्टर तक जो एंगल बनता है उसको अल्फा कहते हैं और वाई एक्सिस से इस वेक्टर तक जो एंगल बनता है उसको बीटा एंगल कहते हैं और जेड एक्सिस और इस वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनता है उसको गैमा एंगल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीन एंगल्स जिनको अल्फा बीटा गैमा कहते हैं, अल्फा एक्स एक्सिस से उस वेक्टर तक का एंगल है, बीटा वाई एक्सिस से और गैमा जो है ये जेड एक्सिस और उस वेक्टर के दरमियान जो एंगल है ये गैमा एंगल है। इन तीन एंगल्स की मदद से हम इस वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 2D रेक्टेंगुलर सिस्टम में हमने थीटा लिया था वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए और उसमें हमने थीटा को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया था और दूसरा उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने एक्स एक्सिस से उस वेक्टर तक जो एंगल बनता है उसको अल्फा लेना है और वाई एक्सिस से उस वेक्टर तक जो एंगल बनता है वो बीटा एंगल होगा और जेड एक्सिस से उस वेक्टर तक जो एंगल बनता है वो गैमा एंगल होगा और इन तीनों एंगल ये तीनों एंगल जो है ये वेक्टर ए की डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है या इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमने कहा और फिर हमने देखा कि 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और इसमें जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन को कैसे शो किया जाता है। इसके बाद हमने 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा कि 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और 3D
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो कैसे जाहिर की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।